डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिविटी करवाने जा रही हूँ टू ऑब्जर्व ब्रीथिंग मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ लंग्स। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट बिग प्लास्टिक बॉटल, वाई शेप ट्यूब और रबर शीट और टेप और रबर बैंड। आप रबर शीट की जगह कोई भी बैलून होता है ना, उसको हाफ़ करके यूज़ कर सकते हो। और वाई शेप ट्यूब को आप घर पे बना सकते हो, 3 स्ट्रिप्स लेके उनको आपस में ज्वाइन करके आप वाई शेप ट्यूब बना सकते हो। प्रोसीजर है, रिमूव द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बॉटल। आप प्लास्टिक बॉटल का बॉटम कट कर देंगे एंड मेक अ होल इन द लिड सो द वाई शेप ट्यूब मे पास थ्रू इट। आप जो इसकी कैप है ना, लिड, बॉटल की लिड, उसमें होल कर देंगे और जो वाई शेप ट्यूब है उसको इजीली उसमें से पास करा के देखेंगे। उसके बाद क्या है, फिक्स 2 डीफ्लेटेड बैलून टू बोथ एंड ऑफ द ट्यूब एंड इंसर्ट द ट्यूब इन द बॉटल एज शोन। कैप द बॉटल एंड मेक इट एयर टाइट। आपने क्या करना है, डीफ्लेटेड बैलून्स यानी जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, दोनों साइड जो वाई शेप ट्यूब है उसके दोनों साइड में आप डीफ्लेटेड बैलून्स को लगा दोगे और ऊपर से उसको थ्रेड से या रबर बैंड से टाइट कर दोगे और फिर उसको कैप में से पास करवाते हुए कैप को टाइट कर दोगे ताकि उसमें एयर ना जा सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, कवर द बेस ऑफ द बॉटल विद द रबर शीट। जो रबर शीट है, जिसको मैंने बोला आप बैलून की शीट भी ले सकते हो, प्लास्टिक की शीट्स आती हैं वो भी, बॉटल की जो बॉटम है उसके ऊपर आप अच्छी तरह से टाई कर सकते हो जैसे मैंने दिखा रखा है पिक में। अब क्या है, पुट द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड देन पुश द रबर शीट अपवर्ड। अब आप इस जो रबर शीट है इसको ऊपर और नीचे करके देखो। वट विल बी ऑब्जर्वेशन, यू नोटिस वेन द रबर शीट इज पुल्ड डाउनवर्ड द स्पेस इंक्रीज एंड एयर इंक्रीज इन साइड द बॉटल। वेन द रबर शीट इज पुश्ड डाउन अपवर्ड द स्पेस डिक्रीज एंड एयर रिड्यूस। जब अपने शीट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो बॉटल का साइज़ जो है उसमें एयर का स्पेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा और साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कंक्लूजन है, द बैलून इन द एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट्स द लंग्स, द रबर शीट रिप्रेजेंट्स द डायफ्राम एंड द प्लास्टिक बॉटल रिप्रेजेंट्स रिब केज, वाई शेप ट्यूब रिप्रेजेंट्स ब्रांचिस। इन दिस वे यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी।